हाँ भाई, क्या चल रहा? ईद, हर जगह तो ईद ही चल रहा है, ट्रेंड करा रखा है। ईद मुबारक मुनव्वर। मुनव्वर बोले क्या चल रही है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं आज। आज कुल मिला के सिर्फ एक ही फोटो दिखी है मुझे ओरिजिनली, और वो भी ऐसी दिखी ना कि मेरे को समझ में नहीं आया कि ओरिजिनल कौन सा है नकली कौन सी है। सच में मेरे को सबसे पहली फोटो मिली ये, जहाँ पे आशना, नितिन और मुनव्वर है, ठीक है। मैं कहूँ फोटो में कोई दिक्कत नहीं, मिले साथ रहे कुछ भी हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। फिर मुझे दूसरी फोटो मिली, मैं कहा ये चेहरे कैसे बदल गए, ये चेहरे कैसे बदल गए। मैं कहा जिसने भी एडिट किया बहुत मस्त एडिट किया भाई, बहुत मस्त काम किया तुमने। तुम बहुत मस्त काम करते हो मकसूद भाई। इसके अलावा मुझे मनोबल का पता चला कि वो कल जहाँ के गया हुआ था ना इफ्तार पार्टी में, वहाँ पे डायन खान भी आई थी। और मुझे पता ही नहीं, मुझे आज पता चला है कि डायन भी थी वहाँ पे। इसके अलावा एक वीडियो है जहाँ पे एक बच्चा मेरे ख्याल से कवर पे है अपनी माँ की, और वहाँ पे वो उसे नए चप्पल दिखा रहा होता है अपने, काफी इमोशनल वीडियो थी। उस पे मुनव्वर ने हार्ट ब्रेक रिएक्ट किया। मैं कहा वो देख के तो मेरे को बुरा फील हुआ, तो वो तो करेगा क्योंकि वो तो रिलेट कर सकता है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कल मैंने क्लिप बजाई थी ना कंपाइलेशन में, उसमें मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया था, एडिट मैंने ही किया था। सबको पहले एडवांस में ईद मुबारक और सबको बहुत सारा प्यार भाई। भाई 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 साथ में कमाल के जाओ भाई, भाई आप भी कुछ बोल दो भाई, आप भी कुछ बोल दो, विश कर दो भाई। भाई मेरी तरफ से सबको फिरनी का जो खाने का अच्छा इंसान है वो तो मुझे मालूम है, कुछ नया बताओ, टेल मी समथिंग आई डोंट नो कि उसकी नेक्स्ट गर्लफ्रेंड कौन है। सही बात है। अबे साले, इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा मुनव्वर की शायरी चोरी कर ली सरफराज ने। कौन सरफराज, धोखे वाला नहीं, ये भी हो सकता है, पता नहीं मेरे को। सरफराज अहमद एक्स कैप्टन था ना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, उसने चोरी कर ली। सिर्फ अंदाजा लगाना सही नहीं, वाह, कहानी मैंने अभी तक कही नहीं, वाह। सिर्फ अंदाजा लगाना सही नहीं, सिर्फ अंदाजा लगाना सही नहीं, कहानी मैंने अभी तक कही नहीं, जब वक्त अच्छा होगा तो आ जाएंगे ये सारे, खैर जमाना ही ऐसा है, गलती इनकी भी नहीं। आज पता नहीं ये वाली लाइन मेरा दिमाग में अटकी हुई है, ये वाली नहीं जो अभी बोली, अभी जो बोलने वाला हूँ कि सवाल उठाने पे यहाँ आते थ्रेट्स, आने दो इसी बहाने घर चलेंगे मेरे गार्ड्स के। अरे ये बहुत सही गाने यार, केओडी और एक ख्वाहिश, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। हाँ, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा नकली कुमार, मैं कहा तुम क्यों ही बात करती हो उस बंदे के बारे में, मैं तो करना भी नहीं चाहता, तुम ही करवाते हो। मतलब किसी बंदे ने नकली कुमार के प्रोफाइल पे कमेंट किया, वुमनाइजर चुनावर का बाप अभिषेक, इस चीज को उसने लाइक किया और फिर रिप्लाई भी किया कि ऐसी बातें मत करो, हेट नहीं करना किसी को। बट नकली नाम है ना इसका, बट उस कमेंट को लाइक क्यों किया फिर तूने? अगर तू बोल रहा कि हेट नहीं, तो वो तो हेट ही हुआ ना जो अभी उसने बोला है, बट लाइक कर देंगे। इस चक्कर में लोगों ने पोस्ट करी है भाई ये चीजें, जिसमें अभिषेक को गाली पड़ रही है, मैं का पूरा लिखा करो अभिषेक कुमार, अभिषेक आनंद नहीं। चलो गाली उसको पड़ती है, फील मेरे को हो जाता है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं यार। बात तो सही है। हाँ बस मुनव्वर से रिलेटेड इतना ही मिला है मेरे को, एक क्लिप मिली थी ईद से रिलेटेड, बट वो मैं लाइक करना भूल गया। देखो नकली कुमार लाइक करे ना तो तुम गुस्सा हो सकते हो, मैं लाइक करूँ तो गुस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने लाइक ट्विटर पर इसलिए किया उसे क्योंकि मेरे को बात करनी है उस बारे में। तो लाइक पे क्या होता है ना, लाइक का ऑप्शन होता है, पूरा सेगमेंट होता है, तो जो भी चीज़ मैंने लाइक की होती है ना वो वहाँ पे रहती है, तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं जाता हूँ वहाँ सेक्शन में, और लास्ट 24 घंटे में जो कुछ हुआ तो मेरे को पता रहता है कि अच्छा ये वो है, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव मत देखना, मैं सब कुछ लाइक करता हूँ। मतलब कल मैंने एक फोटो लाइक करी हुई है कि मेरे को फनी लगी थी, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, कि बकरी फंसी हुई है, वो हेल्प मांग रही है, तो उस पर एक बंदे का साइड सा बंदा आता है, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कबूल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सही बोल रहा हूँ मैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा, सही बोल रहा है नहीं बोल रहा बता देना कमेंट में। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। इसके अलावा फिर मेरे को एक ईद से रिलेटेड एडिट मिला मेरे को, बेसिकली जो मेरे को फनी लगा, पढ़ते रहना तभी समझ में आएगा, मेरे को भी दो बार लगे थे समझने के लिए। ईद आता है, टेलर जिसने मेरा ड्रेस नहीं बनाया, एल्डर से के अटेंशन लेने की कोशिश में ताकि ईद ही मिल सके, बच्चे जब दूसरे एरिया के बच्चे देखते हैं
नई प्रोफाइल पिक, कपल्स ऑन ईद, बॉयज आफ्टर सीइंग देयर क्रश, मैं जो शाम को 5 बजे उठूंगा। इसमें जो सबसे आखिरी वाला था ना, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ जेन्युइनली। कल था हैदराबाद वर्सेस पंजाब, तो मैंने पनौती लगाई थी कि हैदराबाद हारेगा, पंजाब जीतेगा। अच्छा हुआ वो रिकॉर्डिंग खराब हो गई, क्योंकि फिर मैंने दूसरी बार रिकॉर्ड किया, उसमें मैंने बात नहीं करी आईपीएल की। भाई हार हारा हुआ मैच जीत गई यार, और आखिरी ओवर मैं तो देखना भी बंद कर दिया था कि अरे बहुत गंदा हारेगी पंजाब। मैं 19वें ओवर पे गया भाई, 29 रन चाहिए थे 6 बॉलों पे, क्या खेला लड़कों ने, सिर्फ 2 रन से हारे हैं, 2 रन से, और आखिरी छक्का जो मारा भाई साहब। मैं कहा सोच मेरे भाई तू 1 रन लेके इसको दे देता, मैच तो वैसे गया था हाथ से, इसकी हाफ सेंचुरी तो जाती, बेचारे पे कितना प्रेशर है तुम मालूम है। ऑक्शन में ये बोल दिया गया था कि इसको गलती से लिया है हमने, और बाद में जस्टिफाई, अरे सबने लाइव देखा है, उस बंदे ने लाइव देखा है ऑक्शन अपना, जिन्हें गलती से लिया वो जान देने को तैयार है, और जिन्हें खुद से लिया वो 6 ओवर में आउट होकर बैठकर चाय कॉफी पी रहे हैं, अंदर से वो नहीं निकल जाता रिचा चड्डा खून का खौल है, अरे तुम लोगों का साला। मैं मिचेल स्टार्क से अच्छा तो पैट कमिंस खेल रहे हैं यार साला, ये अंग्रेज पैसा खा के बैठे, मैं बता रहा हूँ, ये अपनी टीम के लिए खेलने जाएंगे ना, कूद कूद के मारेंगे, हवा में मारेंगे, लीग में से जाए, छोड़ो ना हम नहीं खेल रहे, पैसा आया ना खत्म बात। देखो ना मैक्सवेल नहीं चल रहा, फैफ का कभी चल रहा कभी नहीं चल रहा, मिचेल स्टार्क डेथ ओवर में हम डालने वाला, ये डेडली बॉलर है वो भी नहीं चल रहा, चलो लाख गुना बेटर तो पैट कमिंस कर रहा है, कल की बॉलिंग भी अच्छी करी उसने। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक लड़की है जो बहुत वायरल चल रही है, नहीं नहीं उल्टी सीधी बात नहीं है, मतलब देखो क्लिप देखो भाई, मेरे को पता है क्या समझ में आया, मैं ना जैसे श्रीदेवी अपने पति को बेचाती है ना उस मूवी में, कौन सी थी वो, जुदाई, जैसे जुदाई में श्रीदेवी अपने पति अनिल कपूर को बेचाती है ना, भाई मैं भी बेचाऊंगी अपने पति को, पति बेचाऊंगी मैं। अब इसमें मोस्टली लोग आउटरेज कर रहे हैं कि अरे ऐसे कैसे कर सकती, अभी यहीं पर जेंडर बदल देंगे तो बदल दे, ये तो फैक्ट है, हमारी सोसाइटी का हमारी प्रॉब्लम है ये, हम इवॉल्व नहीं हो रहे हैं। मैं जोक नहीं कर रहा, मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे या ट्विटर पे, जहाँ पे सोशल एक्सपेरिमेंट था कि दोनों लड़का और लड़की पब्लिक प्लेस पे होते हैं, तो लड़का लड़की पे अटैक करता है, तो सारे लोग आते, सारे नहीं मतलब कोई ना कोई आ ही जाते हैं लड़की को बचाने के लिए, 3-4 जगह पे करते हैं, 3-4 बार करते हैं, हर बार कोई ना कोई आ ही जाता है लड़की को बचाने के लिए। बट सेम एक्सपेरिमेंट जब अपोजिट जेंडर पे करते हैं कि लड़की लड़के को पीट रही है पब्लिकली, तभी भी लोग आते हैं, बट लड़के को पीटने के लिए। मैंने कहा ये तो हमारी गड़बड़ है ना भाई, हमारा माइंडसेट खराब है, पहली चीज स्लेवरी हो जाएगी ये, वो मूवी थी तो कॉन्टेक्स्ट था तुम्हारे पास, अभी इसका कुछ नहीं मालूम बैकग्राउंड मेरे को एटलीस्ट, तो बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, छोड़ो यार मजाक करने की कोशिश कर रही होगी मे बी। बट फिर मेरे को उसकी दूसरी क्लिप मिली है जहाँ पे अपनी दादी को बुड्ढी कह रहा है, मिडिल फिंगर दिखा पता नहीं क्या क्या था, मैं कहा फिर तो बेवकूफ औरत है, लड़की ही बेवकूफ है। और ये वो टॉपिक है जैसे अभी लड़कों के बीच में बात करते हैं ना, मेल अल्फा मेल मैन टॉक्स क्या मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो भी होती है वो, ये वही चीज़ है बस रिवर्स में है। क्योंकि अगर तुम उन लोगों के पास जाओगे जो अल्फा मेल बन रहे हैं, तुम खुद ही समझोगे क्यों खराब है वो, और तुम अगर ऐसी लड़कियों के पास जाओगे तो तुम खुद ही पता चल जाएगा क्यों ये खराब है तुम्हारे मेंटल पीस के लिए, और वो तुम्हारी फिजिकल और मेंटल दोनों के लिए। मैं कल मैं पॉडकास्ट देख रहा था कुणाल खेमू का राजशमानी पे, उसमें ये बात होती है कि भाई करना करो टॉक्सिक मेल को डेट करो तुम, एक दिन थप्पड़ खाएगी, 2 दिन थप्पड़ खाएगी, 3rd दिन पुलिस पे जाएगी या छोड़ के आएगी। मैं कहा सही पकड़े भाई, मजा आया मेरे को कुणाल खेमू की बात सुन के मजा आया। हाँ इसके अलावा क्या है, इसके अलावा रजत दलाल है, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने ध्रुव राठी पे कुछ कह दिया, जेके कहता भाई मैं बस जोक कर रहा था। मैं कहा मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं उस बारे में, अननेसेसरी बातें हैं, वो एक वैलिड पॉइंट साबित करने की कोशिश कर रहा था, और जस्ट बिकॉज आपकी फोटो देखने आपका नाम नहीं लिया, आप उस टाइम करंट अफेयर्स बेसिकली, तो ये ऐसी छोटी छोटी बात अगर आप इस तरह से करोगे ना, तो जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट है जो आपको नई ऑडियंस मिली है वो भी जाएगी, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। अब इस पर भी गुस्सा हो जाएंगे तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा फिर वो अलग बात है, रिस्पेक्ट बहुत है बंदे के लिए क्योंकि मेरी पटती है भाई से, तो मैं पहले ही सॉरी बोल दूंगा भाई, वीडियो बनाए उससे पहले ही सॉरी भाई
इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जोकर का ट्रेलर आया और लोग पागल हो गए। अबे पता नहीं क्या है, मैं जोकर वन भी देखी, मेरे को उतना खास तो नहीं लगा, मतलब इंटेंसिटी थी बट मेरे को रिलेट नहीं हुआ। मैं डार्क नाइट वाला बंदा, मैं ये नहीं, एक्टिंग अच्छी थी उस बंदे की बट स्टोरी लाइन बहुत स्लो लगी। सेम गोज विद बैटमैन जो अभी आई थी, रॉबर्ट वाली, रोबोट वाली लगी मेरे को। साला सबसे बढ़िया ट्रायोलॉजी थी बैटमैन की क्रिस्टोफर नोलन वाली जो थी, बस। इंडिया में एनिमल बन गए 3-3 घंटे की, वो भी 3-3 घंटे की मूवी बनाने लग गए। वहाँ पे कुछ कच्चा कर लो यार, और भी काम होते, तुम दो मूवी खत्म कर सकते हो उस बीच में, बट नहीं, हम एक ही मूवी देखेंगे, देखो जाके मेरा क्या है। अभी मैं पीजे एक्सप्लेन देख रहा था, कहता दे दो ऑस्कर, मैं कहा बाकी हम काम धंधे छोड़ दे तू क्या यार। ज़्यादा नहीं हो, मेरे अंदर से निकला हो भाई साहब, ये ज़्यादा नहीं हो गया। चलो लाइक कर देना, मैं मिलता कल, पीस आउट।